Hello there, welcome to Niles tutorial with your trainer Bhavna. Today we are going to learn some interesting patterns to be used in the day to day conversation. So here is the first one that is willing to or unwilling to plus first form. That means cheez ki itcha hai, itcha thi, ya itcha hogi. For example, I am willing to learn English. I was willing to go to Delhi. आई एम नॉट विलिंग टू लर्न एनी थिंग न्यू और आई एम अनविलिंग टू लर्न एनी थिंग न्यू शी विल नॉट बी विलिंग टू टॉक टू मी और शी विल बी अनविलिंग टू टॉक आर यूंग टू स्टडी टूडे नेक्स्ट पैटर्न इज डाइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क दैट मीन्स वेरी एक्साइटेड टू डू समथिंग जब हमें कहने होता है कि हम किसी चीज के लिए मरे जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम डाइंग टू गेट दैट जॉब

आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर यू डोंट नीड इट एनी लॉन्गर आई can't वर्क there विद दो पीपल एनी लॉन्गर शी डज़ नॉट वॉन्ट टू argue with विद यू एनी लॉन्गर नेक्स्ट इज एनी मोर मीन्स असमर्थ होना अब और नहीं फॉर एग्जाम्पल अब मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता आई कांट हेल्प यू एनी मोर आई कांट लेंड यू मनी एनी मोर और खाना मत पकाओ डू नॉट कुक एनी मोर आई कॉन्ट रन एनी मोर क्या तुम अब करतार में खड़े नहीं हो सकते हो कान्टू स्टैंड इन अ क्यू एनी मोर आई डोंट वॉन्ट टू बाय बुक्स एनी मोर एन अदर इज नो लोंगर अब कोई काम और नहीं होता या कोई चीज़ अब कुछ नहीं रही फॉर एग्जाम्पल वह अब यहाँ काम नहीं करता ही नो लॉन्गर वर्कस हेयर आई नो लॉन्गर गो टू जिम He is no longer in touch with me. We are no longer living in Delhi. Why is Pluto no longer a planet? Next is insist on plus first form of verb and ing. This means ज़िद करना, जोर देना या bar बार, बार बोलना। वह आइसक्रीम खाने की ज़िद कर रहा है। He is insisting on eating an ice cream. The children are insisting on bathing in the rain. We insisted on going for a walk. He is insisting on buying a new motorcycle. They insisted me on staying here for a day more. I insisted my parents a lot on celebrating my birthday. Thanks for watching the video. I, Bhavna Sharma, signing off for now and see you in the next video.